हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे किटकैट केक। इसके लिए हम लेंगे कस्टर्ड। आपने मेरी पहली वीडियो में मैंगो फ्रूट कस्टर्ड में देखा कि कस्टर्ड कैसे बनाया जाता है। मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक गिलास दूध को गर्म करके उसको उबाल दे लीजिए। उसके बाद 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर को 1 कटोरी ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए और उबले हुए दूध में धीरे धीरे मिलाकर उसको हिलाते रहिए ताकि उसमें गांठे ना पड़े। और 5 मिनट के लिए उसको गैस पे कुक करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये हमारी रेसिपी हमने फ्रूट कस्टर्ड में दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। ये हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, हमने यहाँ पे ठंडे कस्टर्ड का यूज किया है। ये कस्टर्ड अमूल क्रीम 1 बाउल, ये चॉकलेट सॉस 2 टेबलस्पून, पिसी हुई चीनी 2 टीस्पून, और अपने टेस्ट के अनुसार आप इसकी चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने लिया है ड्राई फ्रूट डेकोरेशन के लिए मैरीगोल्ड का बिस्किट, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1 पैकेट। अगर हमें जरूरत होती है ज्यादा की तो हम एक्स्ट्रा रख के चलते हैं ताकि हम इसे यूज कर सके। सबसे पहले किटकैट केक बनाने के लिए बिस्कुट को हाथ से मोटा मोटा तोड़ लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, बहुत छोटे भी ना हो और बहुत बड़े भी ना हो। ये देखिए, ठीक है, ऐसे हमने मोटे मोटे टुकड़ों में मैरीगोल्ड के बिस्कुटों को तोड़ लिया है हाथों से। और फिर हम ये हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये कस्टर्ड तैयार किया हुआ है हमारे पास, इसको हम सॉस वाले कस्टर्ड से मिला देंगे। ये देखिए ऐसे, इससे क्या होगा, चॉकलेट कलर आ जाएगा और चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हम चीनी नहीं मिलाएंगे क्योंकि सॉस में पहले से शुगर मिली हुई होती है। अगर आप चॉकलेट पाउडर लेते हैं तब आप चीनी मिलाइए 1 टीस्पून, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये हम रख देते हैं इसको, ये हम यही रख लेते हैं अपने पास से। फिर हम क्रीम में पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से अपने स्पून से इसको जितने अच्छे से मिक्स हो सकते हैं इसलिए मिला लीजिए। ये हो गई हमारी क्रीम, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम सबसे पहले बाउल में बिस्कुट को डीप करके ऐसे हाथ से बिस्कुटों को डीप करेंगे, बाउल में इसकी लेयर्स लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ठंडा है इसलिए बिस्कुट एकदम नरम नहीं पड़ेगा। गरम होता है तो बिस्किट मेल्ट हो जाता है। दो तीन पीसेस को लेके आप इसको हाथ से अच्छे से लगाइए। सेम ऐसे ही हमने जो चॉकलेट सॉस बनाई है उसमें भी 3-4 पीस डीप करके हम इसको यही ट्रे में रख लेते हैं, ये इजी रहेगा। इसके ऊपर लेयर्स लगाएंगे, ये देखिए ऐसे।
ऐसे लेयर बनाइए। उसके बाद आप एक लेयर क्रीम की लगाएंगे। ये देखिए ऐसे बिल्कुल अच्छे से। और फिर उसके बाद हम अखरोट को डालेंगे ऐसे। हमने अखरोट और किशमिश दोनों को यूज कर सकते हैं इसमें। फिर हम सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। दो तीन पीसेस आप कस्टर्ड में भिगोकर बिस्किट को आराम से वन बाय वन लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ताकि हमारी लेयर एक के बाद एक बन जाए। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस भी चॉकलेट वाली सॉस में से निकालेंगे जो हमने चॉकलेट का तैयार किया है। इससे क्या है, हम लोग अपने मन से जितनी मर्जी लेयर बना सकते हैं अपने बाउल के हिसाब से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लेयर के ऊपर लेयर लगा लीजिए, कहीं जगह ना रह जाए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यू जरूर शेयर कीजिए। उसके बाद फिर से हम क्रीम को अच्छे से फैलाएंगे ताकि बीच में कहीं भी स्पेस ना रह जाए। ये देखिए। उसके बाद हम अखरोट से इनकी अच्छे से डेकोरेशन कर देंगे। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी पूरी तैयार। इसको हम फॉइल पेपर से ऐसे फॉइल पेपर लीजिए, इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। और इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए। ये देखिए अब हमने पहले से ही इस केक को फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। अब हम उसे फ्रिज से निकाल लेंगे और देखते हैं कि वो कैसे बनी है।
खोलो इसको, ये देखिए इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं सेट करने के लिए। काफी अच्छे से को हम छुरी की सहायता से निकालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई हुई हैं, ये देखिए ये हो गई हमारी पुडिंग यानी कि किट कैट केक तैयार। इसे हम पुडिंग भी बोल देते हैं कई बार क्योंकि बच्चों को पुडिंग बहुत पसंद आती है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंजेटिव